तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैंक पुश के ऊपर। जो भी बंदे भाई यहाँ पे ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो या मास्टर जाना चाहते हो, आज की इस वीडियो को इन तक देखने के बाद आप लोग बहुत ही आसानी से जा सकते हो ग्रैंड मास्टर और मास्टर। तो गाइस वीडियो को इन तक जरूर देखो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोगों को हमेशा सर्वाइव ही करना होगा। आप लोग गाइस बहुत ही आसानी से रश मार के पुश कर सकते हो, वो भी गाइस स्क्वाड सोलो और गाइस डुओ में। लेकिन दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, अगर आप लोग रश मार रहे हो तो भाई आपके एक दो मैच माइनस भी जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग इस मैच में देख सकते हो, भाई काफी ओपी तरीके से हमने क्लॉक टावर पे लैंडिंग किया था, बट गाइज यहाँ पे हमारी पूरी स्क्वाड मर चुकी है और गाइज मैं अकेला बचा हूं। तो मेरे पास अभी भी टोकन है, बट गाइज मैं अभी रिवाइव नहीं दे सकता। तो दोस्तों आप लोगों को ये बातें बहुत जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपकी पूरी स्क्वाड मर जाती है तो आप लोगों को गाइज क्या डिसीजन लेना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी बंदे भाई स्क्वाड खेल रहे हो, आप लोग खुद के ऊपर डिसीजन लेके चलना कि अगर मेरी पूरी स्क्वाड मर जाती है तो मेरे को रिवाइव देना है या नहीं देना। अगर गाइज आप लोग रिवाइव देते हुए मर जाते हो तो भाई पूरी स्क्वाड का माइनस लगने वाला है। इसलिए गाइज अगर आप अकेले बचते हो तो भाई पहले रिवाइव दोस्तों को दो, उसके बाद गाइज बंदे को मारो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने एक बंदे को रिवाइव दे दिया, क्योंकि गाइज अगर हमारा वो बंदा बचा रहता है तो गाइज हम बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। उसी के साथ देख सकते हो पिछला ये लास्ट बंदा बचा था और भाई काफी ओपी तरीके से हम लोग इस बंदे को भी मार देते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्लॉक टावर पर हमारा क्वाड्रा किल हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही टिप्स देने वाला हूँ, इसलिए गाइज वीडियो को पूरा इन तक देखना जिससे कि आप भी बहुत ही आसानी से रैंक पुश कर पाएं। तो गाइज अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकन ऑल पे जरूर से जरूर सेट कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक के ऊपर, जो कि हमारा लैंडिंग होने वाला है। तो बहुत सारे बंदे गाइज लैंडिंग गलत करते हैं, इस वजह से गाइज आप लोगों को प्लस नहीं मिलता, आप लोग उतरते के साथ मर जाते हो। तो गाइज आप लोगों को ऐसा गलती कभी नहीं करना कि भाई आप लोगों को उतरने के साथ मरना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, लैंडिंग आप लोगों को बहुत ही अच्छी जगह पे करना है। जैसा कि गाइज अगर आप लोग मिल पे जा रहे हो तो मिल के नीचे आप जा सकते हो, क्योंकि मिल पे बहुत ज़्यादा फाइट होती है। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग नीचे आए क्योंकि गाइज मिल पे बहुत ज़्यादा बंदे उतर रखे। तो भाई मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप लोग रश नहीं मार सकते, अगर गाइज आपकी पूरी स्क्वाड है तो आप बहुत ही आसानी से रश मार सकते हो। बट वहीं गाइज अगर आपकी स्क्वाड में कोई भी बंदा माइक ओपन नहीं कर रहा, तो ऐसे में गाइज अगर आप रश करने जाते हो तो आपके मरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और गाइज अगर आप लोगों को लैंडिंग में प्रॉब्लम है तो भाई मैं न्यू वीडियो लैंडिंग के ऊपर लाने वाला हूं, तो आप लोग उसे देखकर बहुत ही आसानी से गाइस यहां पे पुश कर सकते हो। चलिए हमारा दूसरा टिप जो होने वाला है वो कैरेक्टर के ऊपर होने वाला है। तो भाई आप लोगों को दो कैरेक्टर हमेशा यूज करना है, बाद बाकी गाइस आप लोग बहुत अलग तरीके से गाइस कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे भाई रशर का कैरेक्टर यूज करते हैं, बहुत सारे बंदे सर्वाइव का कैरेक्टर यूज करते हैं। तो बट गाइस आप लोगों को दो कैरेक्टर हमेशा रखना है, जो कि मैक्सिन एंड आयातो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग रश मारो चाहे सर्वाइव मारो, इन दोनों कैरेक्टर का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आजकल रिवाइवल वाला कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा चल रहा है, और उसी के साथ गाइज मैंने जो कैरेक्टर यूज कर रखा है वो भी बहुत ज्यादा चल रखा है। तो गाइज आप दोनों में से कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको अगर बुकोंग पसंद है तो वो भी यूज कर सकते हो। बट गाइज ये दोनों जो कैरेक्टर मैंने बताया भाई, वो आप लोगों को जरूर से जरूर यूज करना है, क्योंकि इसका यूज आप लोगों को हमेशा आने वाला है। तीसरा टिप्स हमारा यह होने वाला है कि अगर गाइज आपके स्क्वाड में कोई भी बंदा रसर है तो गाइज आप लोग उसे कभी भी अकेले जाने मत दो। जब भी जाए तो भाई दो बंदों के साथ जाए। अगर गाइज वो दो बंदे होते तो मिनिमम गाइज एक बंदा भाई पूरी स्क्वाड को नहीं खा सकता, बट गाइज दो बंदे बहुत ही आसानी से पूरी स्क्वाड को मार सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइज हम लोग दो बंदे यहाँ पे रस मारे थे और काफी ओपी तरीके से मैंने एक बंदे को डाउन किया, बट गाइज मेरे दोस्त को उस बंदे ने डाउन कर दिया। तो यहाँ पे बचने के चांसेस हैं, बट गाइज अगर वो बंदा अकेला रस मारता या मैं अकेला रस मारता तो गाइज कोई भी चांसेस नहीं था कि हम लोग बच पाते। इसलिए गाइज अगर आप कभी भी रस मार रहे हो तो गाइज आप लोगों को कम से कम भाई डुओ में रस मारना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने चौथे टिप्स के ऊपर, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो गाइज इस टिप्स में हम लोग बात करने वाले हैं जॉन के ऊपर। भाई मैंने बहुत बार गाइज जॉन में जाके मर गया और भाई हमारी पूरी स्क्वाड गाइज यहाँ पे जॉन में एलिमिनेट हो चुकी है। उसी के साथ जब मैं सामने वाले बंदे को भी मारता हूँ और गाइज मैं जॉन से निकल जाता, बट गाइज सामने वाला बंदा जॉन से मर जाता। तो आप लोगों को इस बात पे जरूर से जरूर ध्यान देना है कि कभी भी अगर जॉन में फाइट हो तो गाइज आप लोगों को हमेशा भागना नहीं है। बहुत सारे बंदे गाइज क्या करते हैं, नूब की तरह भाई यहाँ पे जॉन से निकलने के चक्कर में सामने वाले बंदे को मारते नहीं है, और सामने वाला बंदा भाई बहुत ही आसानी तरीके से उस बंदे को मार देता है। तो दोस्तों अगर कभी आप लोग जॉन में फंस जाते हो, उसी के साथ आप लोगों को फाइट लेना पड़ता है, तो आप लोगों को दो केसेस को ध्यान रखना है। पहला गाइज अगर आपके पास मेडकिट और लूट है तो भाई आप लोग उस बंदे से फाइट करो, कभी भी गाइज उस समय भागना मत। अगर गाइज आप लोग भागते हो तो आप भाई बहुत ही आसानी से मर जाओगे, और सामने वाला बंदा देख सकते हो गाइज जॉन की तरफ जा रहा था, बट गाइज मैंने उस बंदे को मार दिया। मेरे पास भी ज़्यादा तगड़ी लूट नहीं है, बट गाइज मैं यहाँ पे जॉन में थोड़ी देर सर्वाइव किया, इसलिए गाइज मैं अपने बंदों को भी बचा लूँगा और गाइज यहाँ पे मैं बच भी गया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास मेडकिट रहने की वजह से गाइज मैं यहाँ पे फाइट ले सका।
अगर गाइज आपके पास भी मेड किट होता है तो आप भी फाइट कर सकते हो। अदरवाइज गाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप भाग सकते हो तो भाग जाओ, बट गाइज आपको ऐसा नहीं कि आपको भागने के चांसेस नहीं है फिर भी आप भाग रहे हो, तो आप लोगों को उस समय फाइट जरूर करना है। फाइट में हो सकता है आप सामने वाले बंदे को मार दो, उसके पास मेड किट हो और बहुत ही आसानी से आप लोग गाइस जोन में जा सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पांचवें टिप्स के ऊपर। तो भाई आप लोगों ने अभी तक जितना गेम प्ले देखा होगा उसमें गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने कभी भी अगर रिवाइव करने का ऑप्शन मिला तो भाई मैंने अपने दोस्तों को जरूर से जरूर रिवाइव दिया। तो आपको भी जरूर से जरूर इन बातों को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो सबसे पहले अपने दोस्तों को रिवाइव देना है, बाद बाकी गाइस उसके बाद ही कुछ करना है। अगर गाइज आप लोग ऐसा नहीं करते तो भाई माइनस आपका भी जाएगा, आपके दोस्तों का भी जाएगा। तो भाई लोग अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई चैनल बहुत दिनों से डेड है, तो इसलिए गाइज लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। तो हाँ गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना, और मैं आप लोगों को बता दूं गाइज अगर आप भी हमारे साथ रैंक गेम प्ले करना चाहते हो तो आप लोग सैटरडे संडे 7 बजे आ सकते हो। गाइज जो भी बंदे भाई 7 बजे आएंगे हम लोग टीम कोड से गेम प्ले करते हैं, तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से आके हमारे साथ खेल सकते हो। तो लास्ट टिप जो हमारा होने वाला है गाइज, अगर आप भी यहाँ पे लास्ट जोन तक बच जाते हो तो आप लोगों को गाइज कभी भी ग्लूबल में बचाना नहीं है। आप लोगों को हमेशा जब भी मेड किट मार रहे हो तो आप लोगों को आराम से चारों तरफ से घेरना है, उसके बाद ही मेड किट मारना है, क्योंकि गाइज लास्ट जोन में बहुत सारे बंदे होते हैं और चारों तरफ से बंदे मारने लगते हैं। तो इसलिए गाइज आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट जोन में ग्लूबल अगर आपके पास है तो आप लोगों को हमेशा यूज करना है और सामने वाले बंदे से बचना है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आप भी बहुत ही आसानी से गाइज मास्टर जा सकते हो, उसी के साथ अगर आप लोग ज्यादा गेम प्ले करते हो तो ग्रैंड मास्टर भी जा सकते हो। वीडियो कैसा लगा गाइज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसी के साथ अगर आप लोग में से किसी भी बंदे को रिक्वेस्ट देना है तो आप लोग UID के साथ गाइज यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट दे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, तब तक के लिए बाय।